हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि जो श्रीनगर में बेस्ड इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 स्क्वाडन है, जो कि नंबर 51 स्क्वाडन के नाम से जाना जाता है, उसे इस साल रिटायर कर दिया जाएगा सितंबर तक। तो ये बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो रिटायर करने की प्रक्रिया है, ये इस MiG-21 के क्रैश के बाद नहीं चालू करी गई है, ये पहले से ही ऑनगोइंग थी। और 2025 तक सारे MiG-21s को रिटायर करना था, जिसमें हमारे पास 4 स्क्वाडन बचे हैं, जिसमें से एक स्क्वाडन जो है वो सितंबर में रिटायर हो जाएगा। फिर एक एक स्क्वाडन करके 2025 तक हमारे सारे के सारे MiG-21 स्क्वाडन्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। बात करें नंबर 51 स्क्वाडन की, तो इसे स्वॉर्ड आर्म्स कहा जाता है और ये 1985 से ही एक्टिव है। तो शुरुआत में यहाँ से MiG-21 बिस को ऑपरेट किया जाता था और 2004 तक इनको ऑपरेट किया गया। उस समय ये स्क्वाड्रन जो है वो चंडीगढ़ में बेस था। उसके बाद MiG-21 बिस की जगह जो है वो अपग्रेडेड MiG-21 बिस ने ली, जो कि MiG-21 बाइसन थे, और आज तक इनको ऑपरेट किया जाता है MiG-21 बाइसन के साथ। तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जो है वो इसी स्क्वाड्रन के लिए MiG-21 फ्लाई करते थे। बाकी जब बात MiG-21 बाइसन के रिटायर करने की करी जाती है, तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि ये एयरक्राफ्ट तभी रिटायर हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कराए जाए, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट में अभी भी टेक्निकल लाइफ जो है वो बची हुई है। MiG-21 बाइसन की बात करें तो अर्ली 2000 से ये इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। मिड टू लेट 90s में इनका अपग्रेड जो है वो होना चालू हुआ था और इनको मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया था। तो MiG-21 बाइसन्स जो हैं ये बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक की कैपेबिलिटी वाले MiG-21s हैं। इनके रडार को अपग्रेड किया गया, इनके एवियोनिक सूट को अपग्रेड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बेटर बनाया गया इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड से, साथ में हेलमेट माउंटेड साइट की कैपेबिलिटी दी गई, जिसकी वजह से ये शॉर्ट रेंज में R-73 मिसाइल को ऑफबोर कैपेबिलिटी के साथ। तो आजकल की कॉम्बैट में एयरक्राफ्ट अभी भी रेलेवेंट है, टेक्निकल लाइफ इनकी अभी भी बची हुई है, क्योंकि इनको अर्ली 2000 से ही इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करना चालू किया है और ये कम्प्लीटली सर्विसेबल एयरक्राफ्ट है। परेशानी ये है कि ये आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ नहीं है, क्योंकि इनको 50s में डिजाइन किया गया था। बाकी अब बात करते हैं कि कौन सा स्क्वाड्रन जो है वो नंबर 51 स्क्वाड्रन को रिप्लेस कर सकता है श्रीनगर से। तो यहाँ पर जो नाम सामने आता है ये नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन का आता है, जो कि फिलहाल के लिए LCA तेजस Mark-1 FOC का स्क्वाड्रन है। तो इस स्क्वाड्रन को LCA तेजस Mark-1 FOC के साथ 2020 में फॉर्म किया गया था। इससे पहले इस स्क्वाड्रन से MiG-27 फ्लाई होते थे और ये कलाईकुंडा में बेस्ड था और 2016 तक वहां तक रहा। अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे तो पहली बार ये स्क्वाड्रन जो है वो श्रीनगर में ही बेस्ड था और यहाँ से फोलन नेट एयरक्राफ्ट को यूज किया जाता था। तो ये स्क्वाड्रन जो है इसने एक्टिवली पार्ट लिया था 1971 की वॉर में, और इसी स्क्वाड्रन के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को इंडियन एयरफोर्स का एकमात्र परमवीर चक्र जो है वो मिला हुआ है। और जो नंबर 51 स्क्वाडन है श्रीनगर का, उसके ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र मिला हुआ है। तो इन दोनों ही स्क्वाडन में, जो कि श्रीनगर पर बेस्ड थे और हैं, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं। तो ये शो करता है कि जो श्रीनगर पर बेस्ड स्क्वाडन है वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। और जहां तक चांसेस नजर आते हैं इसके आते हैं कि जो नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाडन है उसको दोबारा से श्रीनगर में ही डिप्लॉय किया जाए, और इस बार जो एयरक्राफ्ट होंगे वो LCA तेजस Mark-1 FOC होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट रहता था कि LCA तेजस को बॉर्डर्स पे क्यों डिप्लॉय नहीं किया जाता अगर वो इतने कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पर उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। LCA तेजस के स्क्वाड्रन को स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे डिप्लॉय किया जा सकता है और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं। फिलहाल के लिए इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो सुलूर एयरबेस पर है और ये नंबर 45 स्क्वाड्रन के साथ डिप्लॉय है, जो अगेन LCA तेजस Mark-1 का स्क्वाड्रन है। तो ये दोनों स्क्वाड्रन यहाँ पर इसलिए डिप्लॉय हैं क्योंकि तेजस की जो डिलीवरी है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी भी ली जा रही थी और इन एयरक्राफ्ट को ऑप्टिमाइज किया जा रहा था इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर पायलट्स की ट्रेनिंग भी हो रही थी, साथ ही साथ रिक्वायर्ड चेंजेस जो है वो प्लेटफॉर्म में किए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है इन एयरक्राफ्ट को उस काम के लिए डिप्लॉय किया जाए जिसके लिए इनको बनाया गया है, और ये हम बहुत जल्द देख सकते हैं। बाकी MiG-21s के रिप्लेसमेंट की बात करें तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भी 2024-25 से तेजस Mark-1 A फाइटर जो है वो इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करना चालू करेगी, और जो जगह बचेगी MiG-21s के रिटायरमेंट के बाद उसको तेजस Mark-1 A जो है वो फिल करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।